नमस्कार, प्रभास वीकेंड डिशेज रेसिपी में आपका स्वागत है। और आज हम बनाएंगे कॉर्न का चीला, जो खाने में बहुत टेस्टी होता है और बहुत हेल्दी होता है, और इसे बनाना भी बहुत आसान है। प्रभास वीकेंड डिशेज रेसिपी को सब्सक्राइब करें और वीडियो की तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप कॉर्न के दाने, मक्के के दाने। ये दाने बिल्कुल मुलायम हैं, आप देख सकते हैं। आप चाहें तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं और या चाहें तो इसे पीस सकते हैं। तो इसे हम मिक्सर जार में पीस लेंगे। और इसके अंदर डालने के लिए हमने लिया है 1 प्याज, मैंने इसे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। 1 शिमला मिर्च को मैंने छोटे टुकड़ों में काटा है। 2 बड़े चम्मच हरी धनिया कटी हुई, 1 टुकड़ा अदरक का मैंने इसे कद्दूकस कर लिया है, और 2 हरी मिर्च को मैंने छोटे टुकड़े में काट लिया है। 1 टमाटर को मैंने छोटे टुकड़े में काट करके रख लिया है, और 1 छोटा चम्मच अजवाइन, 3 से 4 पिंच हींग, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर है, मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार ही डालें, और 1 चम्मच हमने चाट मसाला लिया है, 1/2 कप दही और 1 कप सूजी। आप चाहें तो इसकी जगह बेसन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बेसन का भी चीला बहुत अच्छा लगता है। और नमक हमें स्वाद अनुसार लेना है। तो सबसे पहले हम कॉर्न को पीस लेते हैं। तो इसे हम एक मिक्सर जार में डालेंगे और पीस लेंगे। इसे चेक कर लेते हैं और कॉर्न के दाने हमारे पीस चुके हैं। इसे हमें बहुत बारीक नहीं करना है, ये हल्का सा मोटा होना चाहिए। आप देख सकते हैं ये थोड़ा थोड़ा सा मोटा है, तो इसी तरीके का हमें चाहिए। तो इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। और अब हम इसके अंदर ये सूजी डाल देंगे, रवा मोटा हो या पतला कोई भी हो, सभी का चीला खाने में बहुत अच्छा लगता है। और अब हम इसके अंदर ये दही डालेंगे। और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, 1/2 ग्लास पानी इसके अंदर पहले हम डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। 1/2 ग्लास पानी डालकर मैंने इसे मिक्स कर लिया है, और इसके अंदर पानी अभी हम नहीं डालेंगे, और इसे ढक करके 10 मिनट के लिए हम रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं और हम अपने बैटर को चेक कर लेते हैं। सूजी हमारी फूल चुकी है, इसे हम मिक्स कर लेंगे। और अब इसके अंदर ये सारी चीज़ें डाल देंगे, हरी धनिया, शिमला मिर्च, प्याज, हरी मिर्च और अदरक, ये सारी चीज़ों को डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें अपने मनपसंद की कोई भी सब्जी डाल सकते हैं, गाजर, बीन्स, गोभी, कोई भी चीज़ छोटी छोटी काट करके और इसके अंदर डाल सकते हैं। और इसके अंदर डालेंगे चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, हींग, अजवाइन कटे हुए, टमाटर, और इसके अंदर नमक डालेंगे। नमक 1/2 चम्मच डालेंगे, नमक अपने टेस्ट के अनुसार ही डालना है। और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और इसे मिक्स करने के बाद हमें देखना है कि इसके अंदर हमें पानी की आवश्यकता है कि नहीं, तो थोड़ा सा पानी इसके अंदर हमें डालना है। और इसके अंदर हम पानी डाल लेते हैं, इसे मिक्स कर लेंगे। हमें इतना ही पानी डालना है इसे चीला हमारा अच्छी तरीके से फैलाते बने। बहुत ज़्यादा इसे हमें गीला नहीं करना है और बहुत सूखा भी नहीं रखना है। इसे हम अच्छी तरीके से पहले मिला लेते हैं। और हमारा बैटर बिल्कुल मिक्स हो गया है, आप देख सकते हैं। हमें इसी तरीके की कंसिस्टेंसी चाहिए, आप देख सकते हैं बहुत गाढ़ा भी नहीं है और बहुत सूखा भी नहीं है। तो हम चीला बनाना शुरू करते हैं। चीला बनाने के लिए मैंने गैस पर तवा रख दिया है और मैंने गैस को ऑन कर दिया है। अब इसके ऊपर से घी लगा देंगे, आप तेल भी लगा सकते हैं। पूरे तवे को हम चिकना कर देंगे और इसे अच्छी तरीके से हम गर्म होने देंगे। तवा हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है, अब हम आंच को मीडियम कर देंगे और हम चीले बनाएंगे। चीला आप अपने पसंद के अनुसार छोटा या बड़ा बना सकते हैं। तो हम इसके तवे के ऊपर छोटे छोटे चीले बनाएंगे, इस तरीके से इसे फैला देंगे। बहुत पतला भी नहीं करना है और बहुत मोटा भी नहीं करना हमें, बस 1 बड़ा चम्मच हमने बैटर लिया था और इसे अच्छे तरीके से हमें फैला देना है। इसी तरीके से एक चीला हम और फैला देंगे। और तवा हमारा छोटा है, अगर आपके पास बड़ा तवा है तो उस पर कई बना सकते हैं।
हम इस तवे पर तीन चीला बनाएंगे एक साथ और इसे हम दो मिनट तक एक साइड में सिकने देंगे। आप चाहे तो चीले बड़े भी बना सकते हैं, लेकिन छोटा चीला बनाने से आप बच्चों के टिफिन में भी रख सकते हैं। टिफिन में देने में बहुत आराम रहता है और घर में भी आप जब जितनी इच्छा हो उस हिसाब से आप नाश्ता कर सकते हैं, खा सकते हैं इसे। तो इस तरीके से आप चीला बनाइए, ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो दो मिनट बाद इसे हम पलट देंगे। दो मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं चीले के ऊपर कलर बदल गया है, हल्का सा ब्राउन हो गया है। तो अब इसे हम पलट देंगे और इसे हम दूसरी साइड में भी सेकेंगे। देखिए इसका अच्छा कलर आ गया है, हम सारे चीलों को पलट देंगे। और ऊपर से थोड़ा सा घी हम और लगा देंगे। अब इसे हम पलट पलट कर हल्का सा ब्राउन होने तक, अच्छी तरीके से पक जाने तक सेक लेंगे। और ये चीला हमारा अच्छी तरीके से दोनों तरफ से सिक चुका है, आप देख सकते हैं। और ये अच्छी तरीके से पक गया है, तो इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। ये बहुत ही कम तेल में बन जाता है, खाने में बहुत टेस्टी होता है और हेल्दी भी होता है। तो इसी तरीके से और भी चीला हम बनाकर तैयार करेंगे। तवे पर घी लगा लेंगे और इसमें एक एक चम्मच बैटर को डालेंगे और ये भी चीला हमारा अच्छी तरीके से सिक चुका है, आप देख सकते हैं। और इसे भी प्लेट में निकाल लेंगे और बहुत ही टेस्टी कॉर्न का चीला हमारा बनकर तैयार हो गया है। मैंने इसे अंबार की चटनी के साथ रखा है। अगर आपको इसकी रेसिपी देखनी है तो हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अंबार की चटनी खाने में बहुत टेस्टी होती है, लेकिन अगर आपको किसी भी चटनी या किसी भी सॉस के साथ खाना है तो इस चीला को आप खा सकते हैं। ये सभी के साथ खाने में बहुत टेस्टी लगता है। अगर आपको मेरा कॉर्न का चीला बनाने का तरीका पसंद आता है तो अपने कमेंट हमें ज़रूर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।